हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डीएनपी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शिखा। दोस्तों, लखनऊ विधानसभा के सामने 26 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान सेना और पुलिस ने परेड की और जवानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। कोरोना को दूर भगाने के लिए स्कूली बच्चों ने संदेश दिया और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ सभी का मन मोह लिया। ठंड के बीच भी बैंड की धुनों पर टुकड़ियां एक साथ कदम ताल करते हुए बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रही थी। सेना के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया और सेना के साजो सम्मान की अलग अलग झांकियां निकाली गई। इस दौरान यूपी पुलिस ने भी अपना दमखम दिखाया। परेड के दौरान महिला सशक्तिकरण की एक झलक भी देखने को मिली। कॉलेज की लड़कियों ने मार्च पास किया। इसके बाद स्कूली छात्र बैंड और ड्रामा के साथ तालमेल बिठाते हुए दिखाई दिए। वहीं बच्चों ने देश से कोरोना को दूर करने का भी संदेश दिया। बच्चों ने अपने संदेश में कहा कि किसी से ना हाथ मिलाए और नमस्ते करके ही काम चलाए। बच्चों के जरिए ये भी दिखाया गया कि कैसे स्वास्थ्य कर्मी इस बीमारी को दूर भगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। 26 जनवरी को यूपी विधानसभा के सामने निकलने वाली परेड की सलामी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लेंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार। सैन्य अधिकारी दस्ते में मौजूद, जिस पर सुंदर सी कलंगी दिख रही है और चमचमाते हुए बैच सीने पर, वो उनकी वीरता का सबूत दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। शासन का पालन करने वाले ये सीधे जवान शांति और आपदा काल में